हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आपने T4 अपना दिया होगा और उम्मीद करता हूँ आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। मैं आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 से 50 डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए, हमारा जो 31 क्वेश्चन है, इसमें आपको कह रहा है कि अ लॉन्ग वायर बेंड एज शोन इन फिगर। ये फिगर आप देख लीजिएगा, इसमें एक लॉन्ग वायर को कुछ इस शेप में बेंड किया हुआ है। कैरीज अ करंट आई, क्या मेन चीज है भाई? करंट की आई वैल्यू दी हुई। इफ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर पोर्शन इज ए, बच्चों आर कितना दिया है? ए। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ओ, ओ वाला आपका ये पॉइंट है सेंटर, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पे हमारे पास में दो तो सेमी इनफाइनाइट वाले वायर और एक सेमी सर्कुलर वायर। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, इसको बोल देता हूं 1, इसको बोल देता हूं 2 और इसको बोल देता हूं मैं 3, ठीक है? तो B1 बताइए कितना आएगा? B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πIa। ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ सेमी इनफाइनाइट वायर जिसकी की मैग्नेटिक फील्ड आप देखते हो a डिस्टेंस पे, उससे म्यू नॉट अपॉन 4πI अपॉन। अच्छा, B1 अगर ये है तो बच्चों B2 भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना? तो B2 भी कितना होगा? सेम होगा म्यू नॉट अपॉन 4πI बाय ए। बात आती है बच्चों इसके डायरेक्शन की, तो जो 1 वाले की मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए यहां पे ये करंट अंदर जा रहा है। आप थंब को करंट के डायरेक्शन में रखिए और इस तरह से घुमाइए। तो देखिए, थंब अभी अंदर है, करंट ऐसे, ये थंब अंदर आ रहा ना करंट के डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल है। तो 1 से जो मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे वो किधर निकालोगे? डाउनवर्ड। सिमिलरली 2 वाले वायर को देखिए, 2 वाले वायर ऐसे है, करंट बाहर की तरफ आएगा ये, और यहां से भी आप देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे इस वाले जोन में कैसी आ रही? नीचे की तरफ आ रही, राइट? तो 2 वाले जोन में भी फील्ड कैसी आएगी बच्चों? नीचे की तरफ। तो मतलब 1 और 2 वाले पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, ठीक है? तो क्यों ना हम पहले ही इसको एक नेट फील्ड में निकाल दें, है ना? तो मैं बोलूंगा बी डैश इज इक्वल टू सपोज B1 प्लस B2। तो ये आपका आ जाएगा बेटा, जब इसको ऐड करोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4πIa, म्यू नॉट अपॉन 4πIa, तो इट विल कम आउट म्यू नॉट अपॉन 4π2iA। ये आया बी डैश। अब नंबर आता है बच्चों सेमी सर्कुलर पोर्शन का, यानी कि हमारा थर्ड वाला जो सेक्शन है, ठीक है? थर्ड वाले सेक्शन में क्या होता है, आपको मैं जनरल चीज बताता हूं यहां पे, कि मान लीजिए इस तरह का कोई हमारे पास में जनरल आर्क है और सेंटर पे वो एंगल सबटेंड करता है सपोज थीटा, और उसमें चलने वाला करंट है मान लीजिए आई। तो बच्चों अगर इसका रेडियस मैं आर बोल देता हूं, तो सेंटर पे इस आर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकलेगा? वो निकलता है, किधर लिखूं, मैं इधर लिख देता हूं, वो निकलेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π, और इधर जाएगा बच्चों I अपॉन R इंटू थीटा। बस आपको ये याद रखना है कि जो थीटा है वो रेडियन में होता है। अब अपना केस देखो, ये सेमी सर्कुलर आर्क, ये थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है? पाई रेडियन, ठीक है? अब ये फॉर्मूला मैं इधर लिखता हूं, इधर क्या लिखूंगा मैं? B3। बच्चों ध्यान दीजिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4πI बाय R, तो म्यू नॉट अपॉन 4πI बाय R की वैल्यू बच्चों कितनी है? R की वैल्यू है a, तो R की वैल्यू हो गई a। अभी थीटा कितना है? पाई, तो आप यहां पे सिंपल ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हो। तो यहां से बच्चों देखो B3 कितना आ गया, B3 कितना आ गया बताना? ये पाई से पाई कैंसिल ना करो चाहो तो, क्योंकि आपके ऑप्शन इस तरह से कि आपको कुछ भी कैंसिल करने की यहाँ पे नीड नहीं है। तो B3 क्या, अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे बी नेट, क्योंकि B3 से आगे मैं सॉल्व नहीं करने वाला, सीधे बी नेट निकालते हैं। तो बच्चों यहां से जब आप बी नेट निकालोगे, सबसे पहली बात B3 का डायरेक्शन देखिए, किधर करंट कहां जा रहा है? इधर, ये एरो आप देख रहे हो ना, यानी करंट जा रहा है इधर। तो नीचे वाले सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर की तरफ मिलेगी, आपने राइट हैंड थंब रूल सीखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेगी? इनसाइड द बोर्ड। तो ये जो B3 मिलेगा बच्चों, ये आपको मिलेगा अंदर की तरफ, ठीक है? तो नेट किधर हो जाएगा? आप देखो B1 B2 मिलके किधर आ रहे थे? नीचे, और B3 है अंदर, तो 90 डिग्री का एंगल मिला। तो जो B नेट होगा आपका, दिस इज डिफाइंड एज B डैश स्क्वायर, जो कि B1 प्लस B2 था, याद होगा,
तो बी डैश स्क्वायर ये नीचे कुछ भी नहीं है प्लस बी थ्री स्क्वायर ये कुछ भी नहीं है ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ये बाहर आ जाएगा ना अंडर रूट के, और आई बाई ए भी बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए। और बच्चों देखो रूट के अंदर क्या चलेगा, ये बी वन डैश था ना, तो एक तो ये आ जाएगा टू, टू का स्क्वायर चल रहा होगा, तो दिस इज टू स्क्वायर, और इसमें आ जाएगा तुम्हारा बी थ्री में पाई स्क्वायर। तो बच्चों यहां से आपको ऑप्शन समझ में आना होगा ना, टू स्क्वायर यानी कि हो गया तुम्हारा फोर और पाई स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन इज बी। बच्चों समझ में आया, आसान सवाल था, थोड़ा सा इसमें माइंड लगेगा आपका, बस वो इधर जो डायरेक्शन वाला पोर्शन था थोड़ा सा इसमें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन is moving in a circle of radius smaller with a frequency n, क्या कह दिया भाई, radius आपको दिया circle का smaller, radius दिया है smaller, frequency दी है n, then magnitude of magnetic field at the center, बच्चों magnitude of magnetic field at the center क्या बोलता है कि एक electron इस तरह के सर्कल में चक्कर लगा रहा है, और इस सर्कल का रेडियस बच्चों तुमको दिया हुआ है a, और यहां पे आप मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इस तरह से घूम रहा है ठीक है, और इसके चलने की फ्रीक्वेंसी बच्चों दे दी है कितनी है n, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बच्चों क्या दे दी है n, राइट। अब आपसे कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज गिवन बाय, सबसे पहले इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखो बच्चों, भी पिछले सवाल में एक आपको जनरल फॉर्मूला दिया था याद है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए, ए क्या था रेडियस था, मल्टीप्लाई बाय थीटा, तो यहां पे आप ध्यान दीजिए म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय थीटा की जगह हो जाएगा बच्चों टू पाई, बिकॉज कंप्लीट सर्कल सर्कुलर राउंड पे कितना एंगल ये घूम जाएगा टू पाई का, तो पिछले वाले फॉर्मूले में जो हमने थीटा अप्लाई किया था जनरल वाला है ना, वो यहां पे क्या लगा दोगे 2 पाई, तो ये बचा क्या आ जाएगा, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई से 4 पाई जाएगा तो 2 आ जाएगा, दिस इज आई बाय ए, तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए, ये आ जाता है किसी सर्कुलर करंट की वजह से ए वाले डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड, या आप ये कह लीजिए कि किसी सर्कुलर आर्क पर या रिंग पर अगर कोई करंट चल रहा है और रिंग का रेडियस ए है तो रिंग के सेंटर पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट बाय 2 आई बाय ए। आप देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज निकालना है करंट, बच्चों करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चलिए आई के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। बच्चों एक बात बताएं, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है एन, तो अगर इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग हम टाइम पीरियड मान लेते हैं कैपिटल टी, राइट, तो हमने माना कि लेट टाइम पीरियड फॉर वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू कैपिटल टी, तो बताइए डेल्टा क्यू की जगह बच्चों क्या हो जाएगा ई हो जाएगा चार्ज है ना, और एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है कैपिटल टी। अच्छा अगर कैपिटल टी का टाइम है तो फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेट कर सकते हो, तो आप यहां पे लिखोगे, यहीं पे लिख देता हूं न्यू इज इक्वल टू वन बाय टी या टी इज इक्वल टू वन अपॉन न्यू, तो आप क्या करोगे इसकी जगह ये आ जाएगा आपका ई इंटू न्यू आ जाएगा ना, टी की जगह वन बाय न्यू रखोगे, t की जगह 1 बाय न्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा न्यू ऊपर चला जाएगा आ जाएगा e into न्यू, तो बस आपको केवल i की जगह ये रखना है, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा तुम्हारा न्यू की वैल्यू, ध्यान देना n है तो मैं यहाँ पे रखूंगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 और इधर आ जाएगा e into n डिवाइड बाय a। बच्चों कोई ऑप्शन है म्यू नॉट अपॉन 2 e into n डिवाइड बाय, अब मैंने a लिया हुआ रेडियस तो यहाँ पे रेडियस बच्चों r है तो फाइनली आप कर सकते हो म्यू नॉट बाय 2 n इंटू e डिवाइड बाय r, तो ये आपका b वाले ऑप्शन से बच्चों मैच हो जाएगा ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं,
इन क्वेश्चन नंबर 33 इसी तरह का एक अभी हम लोगों ने लगाया हुआ है, आप अगर ध्यान दो तो, है ना। इसमें कहता है इन द गिवन फिगर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ओ वाले पॉइंट पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलिए एक काम करते हैं, मैं यहाँ भी सेगमेंट डाल देता हूँ, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा सेगमेंट, ये हो गया तीसरा सेगमेंट। बच्चों पहला सेगमेंट देखिए, ध्यान दीजिए सेंटर से ही पास आउट कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप बी वन को तो लिख दोगे जीरो, बिकॉज इसकी अप्रोचिंग किधर दिख रही है, सेंटर की तरफ। अच्छा बी टू, आपको याद है अभी सेमी सर्कल से हम लोगों ने फील्ड निकाली थी, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय पाई। तो बच्चों जो बी टू निकालोगे आप, बी टू निकालोगे आप कितना, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय पाई, ठीक है। अब ऑप्शन में देखें अगर हम लोग तो ठीक है, पाई काट देते हैं बात बनेगी, तो b2 is equal to pi से pi काट दिया मैंने, this is mu naught upon 4 i by r, b2 भी हो गया हमारा, और b2 का डायरेक्शन बच्चों देखिएगा ये चला जाएगा बाहर की तरफ, b2 आ जाएगा, आई होप ये सिंबल आप जानते होंगे, डॉट विद इन द सर्कल, ये होता है नॉर्मली आउटसाइड, और अगर सर्कल के अंदर बच्चों क्रॉस होता है तो वो नॉर्मली इनसाइड का सिंबल होता है, ठीक है। अब बचा सेमी इनफाइनाइट वायर यानी कि 3 वाला, कितना हो जाएगा, ये बाहर की तरफ आएगी मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाय आर, ठीक है। और ये भी डायरेक्शन की तरफ होगा, ये भी डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ। तो चलिए नेट फील्ड देख लेते कितना आता है, आई होप आपको आंसर तो समझ में आ गया होगा, बिकॉज जो बी नेट होगा दिस इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री। बच्चों बी वन है जीरो, बी टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन फोर आर, एंड द बी थ्री इज म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर, राइट। तो हमारा ऑप्शन आता है यहां पे सी पार्ट, ओके बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सारा डायरेक्शन बेस्ड है, समझ लीजिए, अ वायर ओरिएंटेड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कैरीज अ करंट ईस्ट वर्ड, कितनी बढ़िया बात है, एक वायर को ऐसे ये ईस्ट है ये वेस्ट है, और बोलता है कि एक वायर में हमने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में वायर को रखा, और इस वायर में करंट देखे किधर है, ईस्ट वर्ड है, तो इस वायर में करंट देखे किधर आ रहा है, आई टूवर्ड्स ईस्ट, ये बन गया। अब कहता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट टू द साउथ ऑफ दिस वायर, बच्चों साउथ का क्या मतलब, साउथ का क्या मतलब हुआ, नीचे नहीं होगा, समझो बात को समझो, वैसे जो हम लोग बनाते हैं इस तरह से ये कि भाई इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, तो ये देखने में ऐसा लगता है कि ईस्ट के नीचे साउथ आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि साउथ नीचे नहीं होता ना, ना नॉर्थ ऊपर होता, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होते हैं। मैं आपको समझाता हूं, देखिए अगर ईस्ट उधर है वेस्ट इधर है तो साउथ इधर आएगा और नॉर्थ अंदर की तरफ होगा, ये सारे हॉरिजॉन्टल होते हैं, समझ गए ना, ईस्ट इधर वेस्ट इधर, साउथ बाहर की तरफ यानी आपकी तरफ, और नॉर्थ अंदर की तरफ यानी बोर्ड की तरफ, राइट बेटा। तो आपसे कहता है आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट टू द साउथ ऑफ दिस वायर, तो यहां पे साउथ होगा बाहर की तरफ, तो हम अंदर की तरफ ये इस तरह से सर्कल घूमेगा ना, तो नीचे आएगा, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। एक बार फिर से बताता हूं बच्चों, ये ईस्ट की तरफ करंट है, आप थंब लगा दीजिए ईस्ट की तरफ, हाथ घुमाइए साउथ उधर पड़ेगा ना, तो देखिए जैसे ही फिंगर सामने आई ये नीचे की तरफ इंडिकेट कर रही, तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का किधर आ जाएगा बच्चा, वर्टिकली डाउनवर्ड। आई होप समझ में आ गया होगा सवाल, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। अच्छा सवाल है, कहता है इफ 2% ऑफ द मेन करंट, बच्चों ध्यान से समझिएगा, बोलते हैं इफ 2% ऑफ द मेन करंट इज टू बी पास्ड थ्रू अ गैल्वेनोमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस जी, द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट रिकॉर्ड, देखिए क्या कहता है 2% ऑफ द मेन करंट, है ना, कहां से पास आउट करा रहा है, गैल्वेनोमीटर से पास करा रहा है, और इसका रेजिस्टेंस बच्चों दिया हुआ है तुमको जी, और शंट पूछ रहा है, शंट पूछ रहा है, ठीक है। देखिए शंट का रेजिस्टेंस क्या होता है, हमको पता है कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगता है, और ये 2% को आसान बनाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं,
देखिए ये हमने लगा दिया बच्चों यहाँ पे गैलोनोमीटर, और यहां पे मैं लगाऊंगा शंट यानी कि एस, ठीक है। आप सुनिएगा, ये 2% को खेल करने के लिए हम लोग यहां पे बोलते हैं कि लेट 100 I का करंट आ रहा है। अब 100 का 2% होता है 2I, तो 2I का करंट इधर गया और बच्चों 98 I का करंट इधर चला जाएगा। अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल पे हैं, तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, दैट इज 2I इंटू जी इज इक्वल टू 98 I इंटू एस, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग लिखेंगे 2I इंटू जी इज इक्वल टू 98 I इंटू एस, राइट बेटा। I से I आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो हमसे S पूछा है और ये आ जाएगा आपका 2/98 टाइम्स जी, और बच्चों 2/98 सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट 1/49, तो ये एस आ जाएगा आपका 1/49 टाइम्स जी, तो आपका आंसर आ जाता है g/49, राइट बच्चों, आंसर आ जाएगा आपका g/49। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या बोलते हैं, व्हेन 0.005 एम्पीयर करंट फ्लोस थ्रू अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अच्छा क्या कहता है, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से आपने 0.005 एम्पीयर का करंट फ्लो किया और वो क्या दे रहा है आपको, वो दे रहा है आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी अभी तक इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या मिली, 0.005 एम्पीयर का करंट है, कहां से पास आउट कर रहा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से पास आउट किया, और इतने करंट के रेफरेंस में उसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा दिया। आगे कहता है इट इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर टू रीड 5 volts यूजिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 975 ओम। कहता है जब इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया गया तो 5 volt इसने बताया, और क्या बोलते हैं कि 975 ओम का एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इन ओम। बच्चों बात समझ में आई, चलिए जो केस हमको दिया है इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो 975 ओम का रेजिस्टेंस हमको इस गैल्वेनोमीटर को सपोर्ट देने के लिए लगाना पड़ा, ठीक है। और आपसे कहता है कि वोल्टेज का मेजरमेंट कितना हुआ है, बच्चों वोल्टेज का मेजरमेंट हुआ है 5 volt का, राइट, वोल्टेज मेजरमेंट हुआ है 5 volt का, और बच्चों करंट देखो कितना दिया है, करंट आपको दिया हुआ है 0.005, तो करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू 0.005, तो आप इसको लिख सकते हो 5/1000 एम्पीयर। तो ये आई का करंट आया इधर से, वही आई का करंट गैल्वेनोमीटर से पास हुआ। अब बच्चों अगर यहां पे आप ए बोल देते हो और इस वाले पॉइंट को आप बी बोल देते हो तो टोटल 5 volt का मेजरमेंट होना है, तो आपको क्या लगता है कि वी ए माइनस वी बी शुड बी इक्वल टू आई इंटू 975 प्लस आई इंटू जी, बताइए यही क्वेश्चन तो बनेगा। VA माइनस VB बच्चों 5 volt आपको क्वेश्चन में दिया है, I दिया हुआ है 5/1000 मल्टीप्लाइड बाय 975 प्लस 5/1000 मल्टीप्लाइड बाय G। अब यहां पे आपको केवल एक G अननोन नजर आता है, और देखिएगा 5 से 5 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, इस तरह से इधर 1 आ जाएगा आपका और ये 1000 साइड में चला जाएगा, तो इट विल कम आउट 975 प्लस जी इज इक्वल टू 1000, तो बच्चों जी आ जाएगा आपका 1000 माइनस 975, दैट इज आंसर पड़ा होगा हमारे पास में, दिस इज 25। तो ओम्स तो यहीं पे लिखा है, तो सीधे मैग्नीट्यूड में तुम्हारा आंसर है 25, राइट बेटा। So this is the solution of question number 36.
होपली आपको समझ में आया होगा, आसान सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या कह रहा है। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज, अब ये क्या करेंगे भाई, ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है बताइए। ससेप्टिबिलिटी भाई क्या होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का? ससेप्टिबिलिटी होता है बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी माइनस वन, ये याद रखिएगा फॉर्मूला। लेट द ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड टू बी एक्स, या कोई भी आप इसको अपना सिंबल दे सकते हो, मैं फिलहाल एक्स लिख देता हूं। तो ये जो ससेप्टिबिलिटी है तुम्हारी यहां पे एक्स, इट विल बी इक्वल टू म्यू आर माइनस वन, ठीक है। अब आपको मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा दिया है, डायमैग्नेटिक। बच्चों जो म्यू आर होता है, समझिएगा ध्यान से, जो रिलेटिव परमीएबिलिटी ऑफ मटेरियल होता है, दिस इज एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी ऑफ मीडियम या मटेरियल डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फिर से सुनिएगा, मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं। जो रिलेटिव परमीएबिलिटी ऑफ मटेरियल होता है, दिस इज एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी ऑफ मटेरियल म्यू एम डिवाइड बाय द रिलेटिव परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये आपका हो गया म्यू आर अपॉन म्यू एम। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिस क्वांटिटी स्लाइटली लेस देन वन फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल। बच्चों जो केस आपको दिया है डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल दिस इज स्लाइटली लेस देन वन। अब अगर म्यू आर स्लाइटली लेस देन वन हुआ तो आप एक्स के लिए क्या बोलोगे कि ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्मॉल बट नेगेटिव क्वांटिटी, स्मॉलर बट नेगेटिव, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है ना बच्चों, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं होती। हाँ, अब आपके सामने सवाल आता है कि ये डायमैग्नेटिक की जगह अगर पैरामैग्नेटिक होता या फेरोमैग्नेटिक होता तो क्या करते। तो फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल म्यू आर इज स्लाइटली ग्रेटर देन वन, तो जो आपका ससेप्टिबिलिटी होता है दिस इज पॉजिटिव बट स्मॉल, तो आप लिखोगे पॉजिटिव स्मॉल। यहां आपका आंसर क्या आया था, नेगेटिव बट स्मॉल। हाँ, अगर फेरोमैग्नेटिक होता, बच्चों याद रखना अगर फेरोमैग्नेटिक होता, ठीक है, मैं लिखूंगा फॉर फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। अब ये जो रिलेटिव परमीएबिलिटी होता है दिस इज मच ग्रेटर देन वन, तो इसके लिए जो ससेप्टिबिलिटी होता है दिस इज हाईली ग्रेटर देन वन, तो आप बोलोगे पॉजिटिव तो होता है साथ में लार्ज भी होता है, पॉजिटिव तो होता है बट साथ में लार्ज भी होता है। तो याद रखिएगा, ये आपका पैरा के लिए मैंने बताया, ये फेरो के लिए बताया, और तुम्हारा जो क्वेश्चन है डायमैग्नेटिक का उसका रिजल्ट ये है। तो आंसर इज सी पार्ट बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक मरीडियन, आगे आपसे कहता है द डिप नीडल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल द ट्रू वैल्यू ऑफ डिप इज, ओके। तो देखिए बच्चों हमारे पास दो प्लेन होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है जियोग्राफिकल प्लेन या जियोग्राफिकल मेरिडियन, और एक होता है बच्चों मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। ये कुछ इस तरह से होते हैं, ये सपोज अगर हमारे पास में जियोग्राफिकल आ गया,
इसको मैं लिखता हूँ जियोग्राफिकल मेरिडियन, और इससे कुछ एक अल्फा एंगल पर ये बच्चों बनता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो दिस इज अल्फा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसको मैं MM ऐसे लिख देता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, देखिए हमसे ट्रू वैल्यू ऑफ डिप कह रहा है। ट्रू वैल्यू ऑफ डिप में बता दूं, दिस इज डिफाइंड एज डेल्टा, दिस इज द स्टैंडर्ड सिंबल, एंड दिस इज द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो ये होगा, और जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो यहां कहीं पर आएगा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज BH। अब ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है आपसे कह रहा है कि 30 डिग्री, ध्यान दीजिएगा 30 डिग्री क्या कहता है, अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट। द डिप नीडल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द ट्रू वैल्यू ऑफ डिप इज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आपको काम क्या करना है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पे काम क्या करना है, ठीक है। देखिए ये जो अल्फा है, ये अल्फा आपको यहां पे 30 डिग्री दिया होगा, वो मैं बाद में लिख दूंगा फिलहाल, नहीं तो हॉच पॉच ज्यादा हो जाएगा। तो BH का एक कॉम्पोनेंट आप ले लो, आप इसको डाल दो, बी डैश एच विल बी इक्वल टू BH cos अल्फा, ठीक है। B dash H, BH का अल्फा डिग्री पे कंपोनेंट हमने लिया, B dash H which is equal to BH cos अल्फा, राइट। चलिए हमारे पास में रिक्वायरमेंट किसकी, हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड ये करना है बेटा, tan delta is equal to vertical component of magnetic field divided by horizontal component of magnetic field, ठीक। चलिए अब apparent dip देखिए आपको क्या दिया हुआ, apparent dip आपको दिया हुआ है 60 degree, this is not the real, this is apparent dip, वो इस magnetic meridian पे बन रहा है, actually वो इस magnetic meridian पे बन रहा है, और मैं आपको बताऊं वो कुछ इस प्रकार से आएगा, मतलब आप एक general मैं figure आपको इसके देना चाहता हूं, तो rough sketch दे देता हूं, this is 60 degree, और ये जो 60 degree है, this is not the real dip, this is the apparent dip, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं here, apparent dip is equal to 60 degree, और ये जो 60 degree आएगा, ये आएगा इसी फॉर्मूले से BV upon BH। तो अब एक बात बताइए, BV तो सेम रहेगा दोनों के लिए, तो BV तो सेम रहेगा दोनों के लिए, इसको BH डैश कर देता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा tan of 60 degree, that is the apparent depth will be equal to B dash H, बच्चों मैंने उल्टा लिख दिया, it will come out B dash V divided by B dash H। अब बच्चों B dash V क्या है, वो actually ये नहीं है, क्योंकि ये नहीं बदला ना, केवल ये कंपोनेंट में गया है। तो दिस इज इक्वल टू बी डैश वी डिवाइड बाय बी डैश एच। अभी आपको क्या काम करना है, आपको काम करना है, इसको पहले मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूं, एग्जैक्टली अब जो हमारे पास बी डैश वी, बच्चों ये वाला मैं इधर पहले लिखूंगा, तो दिस इज बी वी, और बी डैश एच बच्चों ध्यान दो बी एच कॉस अल्फा, तो दिस इज बी एच और कॉस अल्फा, अल्फा बच्चों आपको दिया है 30 डिग्री क्वेश्चन में, ये रहा अल्फा, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए मैं फिलहाल अल्फा डाल देता हूं, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज टैन डेल्टा डैश, डेल्टा डैश बच्चों, डेल्टा डैश आप यहां पे 60 डिग्री को मैं डेल्टा डैश मार्क आउट कर दूं अगर, तो दिस इज टैन डेल्टा डैश। अभी आपको सिर्फ वैल्यू इसमें मैनिपुलेट करनी है, तो आप यहां पे लिखोगे, देखिए ध्यान से, बीवी अपॉन बीएच, और आपका ये हो जाएगा कॉस कितना है अल्फा, 30 डिग्री is equal to tan delta dash, बच्चों हो जाएगा तुम्हारा 60 है, sorry tan 60, yeah, right। तो this is root 3, और ये आ जाएगा आपका root 3 by 2, तो आपका आ जाएगा BV upon BH, this is cos 30 multiplied by tan
60, वैल्यू रखिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा, इट इज रूट थ्री बाय टू मल्टीप्लाइड बाय रूट थ्री, तो दिस विल कम आउट 3/2, तो ये आपका आ जाएगा tan डेल्टा इज इक्वल टू बीवी अपॉन बी एच, तो बीवी अपॉन बी एच ये, तो इसको मैं tan डेल्टा लिख सकता हूँ, तो tan डेल्टा इज इक्वल टू 3/2, दिस इंप्लाइज जो रियल डिप बनता है वो आ जाएगा आपका tan इनवर्स 3/2, राइट, tan इनवर्स 3/2 द ऑप्शन इज सेकंड वन। चलिए आगे चलते हैं, अब कहता है अ थिन मैग्नेटिक आयरन रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, एल कितना दे दिया बच्चों 30 सेंटीमीटर, इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैं बी कंसीडर कर सकता हूं, इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 4 सेकेंड, ठीक है, बढ़िया, कैपिटल टी वैल्यू मिल गई हमको 4 सेकंड, इट इज ब्रोकन इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, अगर एल लिया है तो एल बाय 3, 3 बराबर पार्ट में इसको ब्रेक किया ऐसे, द टाइम पीरियड इन सेकंड्स ऑफ ऑसिलेशन, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वन पार्ट व्हेन सस्पेंडेड इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये यहां बढ़िया काम किया कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदला और नया टाइम पीरियड पूछ रहा है, मतलब आपसे क्या कह रहा है कि एक आयरन है, एक बार मैग्नेट है, वो ऑसिलेट कर रहा था किसी मैग्नेटिक फील्ड में और उसकी लेंथ दी हुई है बच्चों 30 सेंटीमीटर की, अब आपसे कहता है उस बार मैग्नेट को आपने क्या किया 3 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया, 3 बराबर हिस्सों में तोड़ने के बाद किसी एक पार्ट को जब आप ऑसिलेट करोगे तो आपसे सिंगल पार्ट का टाइम पीरियड पूछा है, राइट, तो चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो आप मुझे सबसे पहले यह बताइए भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट, चलिए मैं बताता हूं, टी का जो मेन फॉर्मूला होता है बच्चों, दिस इज 2π√i/μb, बच्चों आई क्या है यहां पे, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द आयरन रॉड, ओके, व्हिच इज इक्वल टू ml²/3, अच्छे से आप नहीं ये हो जाएगा 12, ml²/3 तो साइड वाला होता था, इट विल बी 12 ml²/12, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और म्यू होता था इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो म्यू होता था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और बी हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब आपसे देखिए क्या कह रहा है, जैसे ही रॉड को आपने 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक किया, वो रॉड आप कुछ इस तरह से मान सकते हो और इस पॉइंट के अबाउट वो कुछ पर्टिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कर रही होगी टू एंड फ्रो, मैं दोनों तरफ एरोज बनाऊंगा, ठीक है, कुछ ऐसे इस तरह से ऑसिलेट कर रही होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट आ जाएगा बच्चों ml²/12 और रॉड टोटल है m मास की, तो अभी बताइए जब इसको आप 3 बराबर हिस्सों में ब्रेक कर दोगे तो टोटल एक मतलब टोटल मास ऑफ अ सिंगल पीस कितना हो जाएगा m/3, ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा आफ्टर ब्रेकिंग जो m की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू m/3, जो l की वैल्यू आ जाएगी m-l- कर देता हूं, तो ये आ जाएगा बच्चों l/3, राइट, तो सबसे पहला काम करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या उससे भी पहले चलिए इस म्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ही आप रॉड को तोड़ दोगे 3 बराबर हिस्सों में, तो एक पार्ट का अगर म्यू डैश आप बोलोगे आफ्टर ब्रेकिंग, तो दिस विल कम आउट μ/3, ठीक है, अब आप नया टाइम पीरियड के लिए, नया टाइम पीरियड सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन शुरू कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं i- निकालूंगा बच्चों, i- क्या फॉर्मूला होता था ml²/12, अभी m की जगह आ जाएगा m/3, तो m/3 l² यानी l²/9 और 12 को मैं जरा अलग कर देता हूं, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये आता है आपका ml²/12 आप i को लिख सकते हो और 9 × 3 ये हो जाएगा 27, तो बच्चों नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखिए इसी आई के टर्म्स में कितना आ गया i/27 ml² / 12 ml² / 12 ये आई है हमारा, तो
तो मैंने एम एल स्क्वायर बाई 12 को आई से रिप्लेस कर दिया और 3 × 9 इज इक्वल टू 27, दिस इज आई डैश द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो नए टाइम पीरियड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में आई डैश पता चल गया। बात आती है म्यू की, तो म्यू बच्चों पता है म्यू बाय 3 हो जाएगा यहाँ पे। अभी एक काम करते हैं अपन लोग, चलिए टी डैश निकालते हैं, और टी डैश हमारा क्या है, नया वाला टाइम पीरियड। तो ये आ जाएगा आई डैश डिवाइड बाय म्यू बाय 3, यानी कि म्यू डैश इंटू बी। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं, तो बच्चों दिस इज, या चलिए पहले ऐसे कर देता हूं, आई डैश डिवाइड बाय म्यू डैश इंटू बी। आइए अब यहां पे वैल्यू मैनिपुलेट की जाए, तो टी डैश बच्चों कितना है हमारे पास में 2π, और ये पूरा अंडर रूट आपका हो जाएगा आई बाय 27 डिवाइड बाय म्यू बाय 3 टाइम्स बी, राइट। ये आ जाएगा आपका आई बाय 27 आ गया आपका इस आई डैश की जगह, और म्यू डैश की जगह बच्चों आ गया म्यू बाय 3, और बी पहले की तरह, ठीक है। अब क्या करो, अब आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्व होके आएगा भाई, ये 3 है, ये 27 है, तो दिस इज 2π अंडर रूट ऑफ, ध्यान दीजिएगा ये आ जाएगा आपका I अपॉन 3, 9 जा 27, 9 म्यू बी, ये आया टी डैश। बच्चों पुराना वाला टाइम पीरियड कितना था, पुराना वाला टाइम पीरियड 4 सेकंड था, ये पढ़ लो, कैपिटल टी की वैल्यू 4 है, तो आप मैं इधर 4 लिख देता हूँ, तो ये पूरा किसके बराबर था, 4 के ना, तो 2π अंडर रूट ऑफ आई अपॉन म्यू बी, 2π अंडर रूट ऑफ आई अपॉन म्यू बी, ये क्या था 4, तो 4 डिवाइड बाय रूट 9, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 डिवाइड बाय रूट 9, और रूट 9 हम सबको पता है कितना होता है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, तो दिस विल कम आउट 4/3, एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके बच्चों चलिए और आगे बढ़ते हैं फटाफट। अभी आपसे कहता है अ मैग्नेटिक निडल लाइन पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब बच्चों एक बात तो समझ में आती है कि जो थीटा 1 हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री, और अब आगे देखिए क्या कहता है, क्यों ऐसा था, क्योंकि पैरेलल, फिर से पढ़ते हैं, अ मैग्नेटिक निडल लाइन पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स W यूनिट ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री, वेरी गुड। तो ये आया थीटा 2, और वर्क कितना किया है बच्चों W यूनिट का, द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द निडल इन द पोजिशन। बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है म्यू बी साइन थीटा। मैग्नेटिक निडल पे लगने वाला टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क होता है बच्चों म्यू क्रॉस बी होता है ना, ये ऐसे लिखते हैं, अगर आप इसका केवल मैग्नीट्यूड ले लो तो हो जाता है म्यू बी साइन थीटा, और यहां पे देखिए 60 डिग्री पे मेंटेन रखना है, तो थीटा 2 हमारे पास में पड़ा है 60 डिग्री ना, लेकिन एक समस्या है म्यू बी साइन 60, इसको आप इक्वेशन 1 डाल सकते, म्यू बी नहीं पता ना, म्यू दिया है ना बी दिया है, कुछ नहीं पता, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे दिया है तुमको कि भाई निडल पहले 0 डिग्री पे थी, फिर 60 डिग्री रोटेट किया, और W का वर्क तुमको करना पड़ा। चलिए वर्क का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, फटाफट रिकॉल करो क्या होता है भाई, जल्दी बताओ, म्यू बी, जल्दी बताइए क्या होता है, सोचिए सोचिए सोचिए, म्यू बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, याद आया, तो इट विल म्यू बी कॉस थीटा 1, तो यहां बच्चों हो जाएगा कॉस 0 माइनस कॉस थीटा 2 cos 60, समझ गया बेटा। अब cos 0 कितना होता है 1, cos 60 होता है 1/2, तो इट विल कम आउट W इज इक्वल टू म्यू बी 1 - 1/2, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/2, तो म्यू बी अपॉन 2, तो ये W हो गया तुम्हारा म्यू बी अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से बच्चों म्यू बी निकाल लो ना अलग, दिस इज 2W, इसको डाल दीजिएगा रिलेशन नंबर 2। अब 1 देखिए क्या है, म्यू बी साइन थीटा, म्यू बी साइन 60,
और तुम्हारा 2 है 2W, तो मैं लिखूंगा बाय 1 एंड 2 बाय 1 एंड 2, तो म्यू बी की जगह बच्चों 2W डाल रहा हूं, तो जो टॉर्क नीडेड है दिस इज 2W, और बच्चों साइन 60 पढ़ा है, मैं इसकी वैल्यू डाल रहा हूं √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद दिस इज व्हाट W इंटू √3 ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आता है सी पार्ट। आसान सवाल था, बहुत ज्यादा मेहनत वाला नहीं था, ठीक है, लेकिन चलता आइए क्वेश्चन नंबर 41। अ कंडक्टिंग रॉड ए बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए क्या कह रहा है, ए बी रॉड है, मूव कर रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी दिया हुआ है इसका, और उसकी स्पीड भी कैसी है, यूनिफॉर्म, पॉइंटिंग टुवर्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अच्छा, इसकी स्पीड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब चलिए आगे क्या कहता है, द एंड ए ऑफ द रॉड। बच्चों एक बात बताइए, अगर ये रॉड मूव करेगी तो रॉड के अंदर बैठा हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमको ये देखना है फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसा होगा। देखिए, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऊपर आएगा तो ऊपर वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा या लोअर पोटेंशियल हो जाएगा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे आएगा तो नीचे वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा, समझ गया मेरी बात, या लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा। हमारे पास पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन होता है, बहुत आसानी से हम लोग निकालते हैं। तो मान लीजिए, सपोज हमारे पास में इस तरह की कोई रॉड है, ये मैं आपको पूरा डायरेक्शन लेना है इसका दिखा देता हूं, और इसके बीच में कोई सपोज पॉजिटिव चार्ज है और ये V से जाता है, ठीक है। अब अगर बताइए रॉड V से जा रही है तो ये जो स्मॉल q का पॉजिटिव चार्ज मैंने शो किया है, ये भी इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये पूरी है मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए, फुल, मैंने केवल एक जगह बनाई है लेकिन पूरे जोन में, ये भी पॉजिटिव चार्ज इस आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा, तो क्यों ना इस पॉजिटिव पे निकाल लेते हैं हम डायरेक्शन किधर है। पॉजिटिव पे जो भी डायरेक्शन आएगा उसका रिवर्स नेगेटिव पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो, सही ना भाई। तो क्या काम कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड थंब रूल क्या सिखाता है हमको, ये थंब होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये होता है बच्चों कर्व फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, और ये होता है फोर्स, राइट। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन देखिए इधर आ रहा है, फोर्स किधर हो जाएगा, नीचे। तो यानी पॉजिटिव चार्ज पे अगर हम फोर्स लेते हैं तो बच्चों नीचे है, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अगर हम देखेंगे तो किधर मिलना चाहिए, ऊपर। तो यानी जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऊपर की तरफ आएंगे, ए की तरफ, तो ए वाला कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, राइट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अ कैपेसिटर सी इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी ऑफ ईएमएफ वी नॉट वोल्ट। एक कैपेसिटर को आपने किसी वी नॉट वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, द बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड एंड अ प्योर इंडक्टर, देखिए कितनी बढ़िया बात है, प्योर इंडक्टर ऑफ एल हेनरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट सो दैट एलसी ऑसिलेशंस आर सेट अप। बहुत बढ़िया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एलसी, आपसे लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात करी गई, तो दिस इज 2 पाई इनटू एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एलसी, आपका आंसर आपके सामने है, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC, राइट। बहुत बेसिक सवाल, फंडामेंटल फॉर्मूला, और तुरंत सवाल हो गया। चलिए आगे बढ़ते, ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, एन ईएमएफ 15 वोल्ट इज अप्लाइड इन अ सर्किट कंटेनिंग 5 हेनरी इंडक्टेंस एंड 10 ओम रेजिस्टेंस। तो ये बच्चों रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ये द रेशियो ऑफ करंट एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, जो जनरल फॉर्मूला होता है एनआर कॉम्बिनेशन पे वो क्या होता है वो देख लीजिए। अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है, इंडक्टेंस एल है, रेजिस्टेंस आर है, एक डीसी सोर्स ई से आपने उसको कनेक्ट किया है,
यहाँ पे की है और मान लीजिए इस तरह का सर्किट है, ओके। अब इसको जैसे ही ऑन करोगे तो किसी टी इज इक्वल टू जनरल टी पर करंट का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज आई इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आर टी बाई टी। मैं लिख के देता हूं आपको, आई इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ आर टी बाय एल। ये ना आई नॉट क्या होता है, द मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट तब जब टी इनफाइनाइट हो जाता है, जब टी इनफाइनाइट हो जाता है तो मैक्सिमम करंट आ जाता है ई नॉट बाय आर। भाई इनफाइनाइट टाइम पे एक एल जो इंडक्टेंस होता है वो एक वायर की तरह बिहेव करता है बच्चों। इनफाइनाइट टाइम पे हमारा इंडक्टेंस एक वायर की तरह बिहेव करता है, समझ गए। तो इनफाइनाइट टाइम पे ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इंडक्टेंस काम नहीं करेगा। तो मैं लिखूंगा यहां पे एट टी टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट। भाई ये t को इनफाइनाइट रखोगे तो 1 अपॉन rt by l, e की पावर rt by l तो पूरा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वो, तो केवल ये आ जाएगा और इसकी वैल्यू बच्चों आ जाएगी e by r। और e कितना है, e आपको दिया है 15 वोल्ट और r दिया है 10, तो इट इज 15/10, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 एम्पियर, ठीक है। और आपसे कह रहा है t is equal to 1 सेकंड, तो अब आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब आप लगाइए i is equal to, बच्चों i नॉट तो वैसे भी पता है e by r होता है, तो मैं डायरेक्टली 1.5 रखूंगा, क्योंकि बार बार i नॉट लिखने का फिर कोई पर्पस नहीं है जब एक बार ये सॉल्व हो चुका है। तो 1 माइनस e रेस्ट टू दी पर, बच्चों ध्यान दीजिएगा t हो गया तुम्हारा 1 सेकंड, तो माइनस r by l बचेगा केवल, तो दिस इज माइनस ऑफ r है 10 और l कितना है 5 और t है बच्चों 1, ठीक है ना। तो इट विल इक्वल टू 1.5 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 2, आपको दिख रहा है 10 और 5 का डिवीजन है, तो मैं इधर ही डाल देता हूं, दिस इज 1.5 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 2। अभी बच्चों क्या कह रहा है, अभी आपको डिवाइड करना है। एक काम करता हूं, मैं इसको आई वन करता हूं और मैं इसको आई टू करता हूं, तो इनफाइनाइट वाला करंट और वन वाला करंट डिवाइड करना है, मतलब हमको आई वन अपॉन आई टू निकालना है। बच्चों आई वन है तुम्हारा 1.5, ये पावर ठीक है, और I2 देखो, I2 है तुम्हारा 1.5 1 माइनस e रेस टू द पावर माइनस 2, तो देखिए 1.5 1.5 तो कैंसिल हो गए, इट विल इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन e स्क्वायर, ये तो आएगा। अब ये आ जाएगा e स्क्वायर माइनस 1 और जो e नीचे आ जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, कहने का मतलब ये I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन e स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय e स्क्वायर, तो ये बच्चों आ जाएगा तुम्हारा i1 अपॉन i2 e स्क्वायर डिवाइड बाय e स्क्वायर माइनस 1, तो आपका आंसर आता है सेकंड पार्ट बी वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 44, द वैल्यू ऑफ l बाय r, वेयर L and R stands for inductance and resistance has the same dimension as those are. Okay, okay, okay. L by R का dimension क्या है? अरे बहुत आसान है। अभी formula लिखा था थोड़ी देर पहले, I is equal to I naught 1 minus e raised to the power minus of RT by L. बच्चों dimensional analysis में हम लोग को ये सिखाया जाता है कि जो exponential function होता है, यानी कि जो e होता है, इसका पूरा power dimensionless होता है। मैं लिख देता हूँ ये बात पूरा, मैं लिखूंगा power of e is always dimensionless. तो इसका मतलब जो r, जो time का dimension है वो तो t हो गया, और जो r by l का dimension है वो भी किसके बराबर होना चाहिए बताइए। l by r पूछा है, r by l नहीं, l by r पूछा है, तो जो t का dimension है वो तो t हो गया, R by L का dimension 1 upon T होता है, तभी तो cancel होगा, तो L by R किसके बराबर हुआ, तो मैं लिख देता हूं, time का जो dimension आता है, ये आ जाता है आपका T, तो इसका मतलब R by L का जो dimensional formula आएगा, वो आएगा 1 by T,
लेकिन तुमको क्वेश्चन में बच्चों L by R पूछना है, तो L by R का डायमेंशन किसके साथ आ जाएगा, समझ गए ना, इसको ऊपर कर लीजिएगा, इसका आंसर T ही है, यानी कि L by R का भी डायमेंशन किसके साथ में मैच हो जाएगा, टाइम के साथ। ओके बच्चों चलिए आगे बढ़ो। इस सवाल में कहते हैं आपसे टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये दिया है L1 आपको 2mH और आपको L2 दिया है 8mH आर प्लेस्ड सो क्लोज टुगेदर दैट द इफेक्टिव फ्लक्स ऑफ वन कॉइल इज कंप्लीटली लिंक्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंप्लीटली लिंक्ड विद द अदर द म्यूचुअल इंडक्टेंस। बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दिस इज K टाइम्स रूट ऑफ L1 L2 और K की वैल्यू हो जाती है यहां पे 1, तो बस काम खत्म हो जाएगा। L1 L2 तो दिस इज 2 इंटू 2 मिली हेनरी है ना, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3, अब बात आप समझ गए हो, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और इसका रूट आ जाएगा, तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हेनरी, तो विच इज 4 मिली है, आंसर इज डी। बहुत सिंपल, बहुत ही सरल सवाल, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। चलिए आगे आ द एवरेज पावर डेसिपेशन इन प्योर इंडक्टेंस, क्या बात बच्चों, प्योर इंडक्टेंस से एवरेज पावर डेसिपेशन हमेशा कितना होता है, जीरो, क्योंकि पावर डेसिपेशन केवल आपको किससे मिलता है, रेजिस्टेंस से, ये याद रखिएगा, केवल रेजिस्टेंस एक ऐसी डिवाइस होती है जो पावर डेसिपेशन शो करती है, चाहे प्योर कैपेसिटेंस हो, चाहे प्योर कैपेसिटर हो, चाहे प्योर इंडक्टर हो, आपको पावर डेसिपेशन देखने को नहीं मिलता एवरेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। 47 If the frequency of the source EMF in an AC circuit is n, क्या बोलता है? Frequency किसके बराबर है? EMF की? N की. The power varies with the frequency. अच्छा 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 कह रहा है कि जो EMF की frequency है वो n है, तो जो power है उसकी frequency कितनी होगी? भाई वैसे मैं आपको आंसर दे सकता हूं सीधे सीधे डबल, पावर जो फ्रीक्वेंसी शो करता है वो डबल शो करता है, यानी जो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी होता है वो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी से डबल होता है। और आसान भाषा में सुनो, एनर्जी ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी डबल होती है इन कंपैरिजन टू जो सोर्स ऑसिलेशन होता है, ठीक है, बट आप देख लीजिए कैसे। तो ऐसा है भाई, अगर हम बात करते हैं ईएमएफ की, तो दिस इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाती है यहां। अगर हम करंट की बात करते हैं तो हम I अगर निकालते हैं यहां पे, तो दिस इज E बाय Z है ना, तो दिस इज E नॉट बाय Z साइन ओमेगा। अब हम पावर की बात करते हैं तो दिस इज I स्क्वायर R, I का स्क्वायर हो गया बच्चों ध्यान से देखना, तो P हो जाएगा आपका E नॉट स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा T और मल्टीप्लाइड बाय आर। देखिए E नॉट R और Z ये तो कांस्टेंट है, मेन जो वेरिएशन मिलेगा आपको फ्रीक्वेंसीज या ग्राफ में वो मिलेगा ये फंक्शंस जो आ रहे हैं ये वाले, इसकी वजह से। अब एक काम करता हूं मैं, ईएमएफ वाला ग्राफ इधर शो करता हूं, दिस इज E नॉट साइन ओमेगा टी, तो बच्चों ये साइन वेव ही तो चलेगी ऐसे, ठीक है ना, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा E नॉट। अब देखिएगा साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा पावर के लिए, स्क्वायर में कुछ खास नहीं होगा, वो जो नेगेटिव वाला पोर्शन आप देख रहे हो ना हर ग्राफ में, जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, इसको बस पलट के ऊपर कर दूंगा तो ये बनेगा ये This one. ये पावर है। अब आप देखिए ये जो ग्राफ है
हर टी टाइम में अपने को रिपीट करता है जो साइन बना है, और ये टी बाय टू में रिपीट कर रहा है, देख रहे हैं आप, हर टी बाय टू में रिपीट कर रहा है, ये टू टी, तो ये टू टी और ये थ्री टी बाय टू, तो इसके रिपीटेशन एक कंप्लीट टाइम पीरियड ऑफ ईएमएफ के लिए, अगर एक कंप्लीट टाइम पीरियड ईएमएफ को आप टी बोलते हो तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड में ये सिंगल रिपीटेशन होता है, ये डबल रिपीटेशन है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 2n, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 2n हो जाएगी, और अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी आप n बोलते हो तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 2n, तो बच्चों आंसर इज सेकंड पार्ट बी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, 48, अच्छा सवाल है, देखिएगा, आपको दिया है e is equal to e1 sin omega t और e2 cos omega t, पहले मैं काम करता हूं उसको लिख देता हूं, e1 sin omega t plus e2 cos omega t, कहते हैं the root mean square value of voltage is given by, the root mean square value of voltage is given by, ठीक है। सबसे पहले तो इसका आप एम्पलीट्यूड जानिए कितना होता है, आपको मैं बताऊं, अगर C इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही आपके सामने मैं बेसिक फॉर्मूला लेकर आने वाला हूं, ठीक है, अगर C इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, अगर C इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, चलिए मैं लिख देता हूं पहले, तो C नॉट जो उसका एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैक्सिमा होता है इसका, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है साइन एक्स प्लस फाइव, देखते रहिएगा ध्यान से, पूरी क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, साइन एक्स प्लस फाइव, पूरी क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूं कि हो सकता है किसी सवाल में आपको इस फाइव की जरूरत पड़ जाए, वेयर टेन फाइव इज इक्वल टू बी बाय ए, वेयर टेन फाइव इज इक्वल टू बी बाय ए, या फिर फाइव इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ बी बाय ए। तो बच्चों अब आपके समझ में आया होगा कि जो ईएमएफ की इक्वेशन इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है, तो मैं सीधे लिखता हूं इसका एम्पलीट्यूड, यानी कि E नॉट, राइट बेटा, मैं लिखूंगा E नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू E नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है कि जो RMS वैल्यू, देखिए क्या पूछा गया, देन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज, तो बच्चों जो VRMS होता है, दिस इज एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिवाइड बाय रूट टू, ये तो फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय रूट टू, मैक्सिमम कितना है बच्चों, अंडर रूट ऑफ ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर डिवाइड बाय रूट टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर डिवाइड बाय टू, तो ये आपका आ जाएगा कौन सा ऑप्शन है, लास्ट, राइट। बस इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इतना प्रश्न। चलिए आगे आते हैं, 50 ohms ओके, तो कह रहा है एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर आपने कनेक्ट किया हुआ है किसी एसी सोर्स से, अच्छा एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी बच्चों एफ बोली है, और इसका रेजिस्टेंस आर है और इसका इंडक्टेंस एल है, बच्चों इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस की जो वैल्यू आती है जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है, वेयर एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल,
ओमेगा आप रख सकते हो इसमें आंसर पूरे, मैं इधर लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो टू पाई न्यू, तो दिस इज टू पाई एफ, फ्रीक्वेंसी एफ है यहाँ पे, पाई स्क्वायर ऑफ एल स्क्वायर, इसको आप ओपन कर सकते हो तो ये हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर। या कोई ऑप्शन आया? हाँ बिल्कुल आ रहा है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस फोर दिस वन सी पार्ट। ओके बच्चों अब आते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, लास्ट क्वेश्चन। इन अ सर्किट एल सी आर आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्या दिया भाई एल सी और आर सीरीज में, विद एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी एफ दे दी। मेन पॉइंट क्या है, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल 45 डिग्री, इसका मतलब चलिए बनाकर दिखाता हूं। द वैल्यू ऑफ सी इज, देखिए मेन जो आपका सर्किट है वो कुछ इस तरह से है भाई कि ये हो गया सी, ये हो गया एल और ये हो गया सपोज आर, और इसको आपने क्या किया है एक एसी के थ्रू कनेक्ट करके रखा हुआ है, और एसी की बच्चों फ्रीक्वेंसी दी हुई है तुमको, दिस इज सी दिस इज एल दिस इज आर, इसका फेजर डायग्राम अगर आप बनाते हैं वहीं से सॉल्व हो गए, फेजर डायग्राम अगर आप इसका बनाते हैं तो देखिए ये वाला तो हो जाएगा आई आर, ऊपर वाला होता है एक्सएल, तो मैं क्या लिखूंगा आई इंटू एक्सएल, और बच्चों नीचे और थोड़ा बड़ा बनाऊंगा मैं आई इंटू एक्ससी। अब लेकिन क्या कह रहा है कि करंट लीड कर रहा है यानी ये लीड करेगा, तो तुम्हारे पास में ईएमएफ जो नेट आने वाला है वो ये आएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये मिलेगा तुमको ऐसे, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये मैं इधर लिख देता हूँ आई इंटू एक्ससी माइनस एक्सएल, और ये आपको कितना दिया हुआ है 45 डिग्री पे। तो बच्चों ये यहीं से सॉल्व कर सकते हो, tan 45 लगा दीजिएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आई एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाय आई आर, तो यहां पे आप लगाओगे tan 45 इज इक्वल टू आई इंटू ये परपेंडिकुलर हो गया ना ये दिस वन, तो दिस इज आई इंटू एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड आई आर, ठीक है। अभी आई से आई आप कैंसिल कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वन हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्सएल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आर इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्सएल। बच्चों वैल्यू रख सकते हो एक्स सी हो जाएगा आपका वन अपॉन ओमेगा सी और माइनस ओमेगा एल, तो ये आ जाएगा आपका क्या पूछा था हमको कैपेसिटर, तो मैं करूंगा वन अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एल प्लस आर, ये तो आएगा ओमेगा एल इधर कर दीजिएगा तो ये प्लस आ जाएगा आर के साथ में, ठीक है। इसको पलट लीजिएगा तो इट विल कम आउट ओमेगा सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा एल प्लस आर। अभी क्या कसर बाकी है, अभी खाली ओमेगा आपको नीचे भेजना है, राइट, आपको ओमेगा नीचे भेजना है, तो ये आ जाएगा आपका सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल प्लस ओमेगा आर, ठीक है। अभी ओमेगा स्क्वायर एल आप ओमेगा कॉमन ही ले लो मेरे हिसाब से तो बेहतर है, बिकॉज टू पाई एफ हमको बाहर नजर आ रहा है, तो चलो मैं एक स्टेप कुछ इस तरह कर देता हूँ। देखिए ओमेगा मैं अगर कॉमन लूंगा क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं ओमेगा की वैल्यू डाल देता हूँ इधर, तो ये आ गया ओमेगा कॉमन, ठीक है। अभी ओमेगा एक बचा एल के साथ, तो मैं रखूंगा टू पाई एफ, ये आ गया एल के साथ में जो एक ओमेगा बच रहा है इसके साथ में एल आ गया और प्लस बचा आर, तो ये आ गई आपके सी की वैल्यू विच इज इक्वल टू ए पार्ट में आ रहा है वन अपॉन टू एफ इन द ब्रैकेट टू पाई एफ एल प्लस आर, टू पाई एफ एल प्लस आर, राइट, तो ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के सवालों के डिस्कशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और भी आगे आने वाले टेस्ट की तैयारी रखिएगा, डिस्कशन आपको मिलता रहेगा टाइम पे। ओके बच्चों टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।